हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन और आप सभी का शॉर्ट एंड स्वीट केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। हम अपने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हेमरिथ्रिन प्रोटीन। हेमरिथ्रिन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डीऑक्सीहेमरिथ्रिन एंड ऑक्सीहेमरिथ्रिन, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। सेकंड आपका बायोमोलिक्यूल्स है हीमोसाइनिन इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। इसके भी दो सब टॉपिक हम पढ़ेंगे, डीऑक्सी हीमोसाइनिन एंड ऑक्सी हीमोसाइनिन। तो आज के लेक्चर को आप पूरा देखिए और इनमें से भी जीआरएफ नेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए लेक्चर के ऊपर चलते हैं। ओके, तो अपना टॉपिक है हेमरिथ्रिन। देखिए, जो हेमरिथ्रिन है वो एक नॉन हीम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। इट मींस इसके अंदर हीम यूनिट या हीम स्ट्रक्चर नहीं होता। अपने पास जो पोर फायरिंग रिंग के अंदर आयरन बाइंडेड रहता था वो नहीं होता। ओनली फॉर आयरन मेटल इनके अंदर एग्जिस्ट करता है, पर पोर फायरिंग रिंग प्रेजेंट नहीं होती। तो इसके अंदर से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि हेमरिथ्रिन इज हीम कंटेनिंग और नॉन हीम कंटेनिंग। ओके, देन इसका नेक्स्ट जो वर्क है, फंक्शन है, वो क्या करता है, ये O2 ट्रांसपोर्ट करता है मरीन इन्वर्टिब्रेट में, यानी कि मरीन एक्वा सिस्टम के अंदर। लाइक कौन कौन से एनिमल्स आते हैं इसके अंदर, सी वॉर्म, फाइला, मरीन इन्वर्टिब्रेट। ओके, एंड हेमरिथ्रिन के अंदर कितने सब यूनिट रहते हैं इसके, 2 to 8 सब यूनिट। ये भी आपको ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन में आता है। और ईच 113 एमिनो रेसिड्यू एंड 2 Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसकी एक्टिव साइट रहती है। तो हेमरिथ्रिन के अंदर आयरन मॉलिक्यूल, यानी एक सब यूनिट में कितने आयरन मॉलिक्यूल रहते हैं, सॉरी आयरन एटम रहते हैं, 2 with +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डीऑक्सी फॉर्म में। फिर है आपका पॉइंट, ये जो है कोऑपरेटिव बाइंडिंग O2 के साथ शो नहीं करते। लाइक हीमोग्लोबिन O2 के साथ कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करता था। उसमें क्या होता था कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 आपका हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया तो इस हीमोग्लोबिन की O2 से जो बाइंडिंग होने की एफिनिटी है वो बढ़ जाती थी सक्सेसिव स्टेप्स के अंदर। अब है आपका, इस सब यूनिट कंटेन 2 Fe+2 एटम लिंक्ड थ्रू OH- ब्रिज, यानी इसके अंदर ब्रिजिंग किसकी होती है, OH की ब्रिजिंग रहती है और ये Fe इससे जुड़े हुए रहते हैं। और OH ब्रिज एंड ये रहता है आपका एसिटेट ब्रिज भी रहता है नीचे की ओर। देखिए आप, ये एसिटेट ब्रिज है, कार्बन अटैच टू ऑक्सीजन देन Fe, और राइट साइड में भी अटैच टू ऑक्सीजन देन Fe। एसिटेट ऑफ एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, इसके अंदर जो फर्स्ट आपका पोर्शन रहेगा, इससे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ओके, आप देख पाए सही से। ओके, देखिए तो ये जो पोर्शन है आपका Fe, पहला तो OH ब्रिज से अटैच है और नीचे देखिए ये एसिटेट किससे जुड़ा हुआ है, ग्लूटामेट, GLU शॉर्ट फॉर्म में ग्लूटामेट एसिड से, एंड सेकंड एसिटेट जुड़ा हुआ है एस्पार्टेट वाले से। तो अगर टोटल ब्रिजिंग देखा जाए तो 3 ब्रिजिंग हो गई, एक OH की, दूसरी एसिटेट ऑफ ग्लूटामेट, तीसरा एसिटेट ऑफ एस्पायरेट। ओके, और Fe के जो रिमेनिंग कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल्स है वो क्या रहेंगे, हिस्टिडीन के N, ठीक है, ये हिस्टिडीन का N यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि फर्स्ट Fe की जो है वो 6 कोऑर्डिनेशन स्टेट में प्रेजेंट है, बट सेकंड Fe जो है वो 5 कोऑर्डिनेटेड स्टेट में प्रेजेंट है। देखिए 1 2 3 4 5, इट मीन्स सेकंड Fe कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है। 5 कोऑर्डिनेटेड साइट इज इम्पर्टी, 1 साइट आपका इम्पर्टी इसमें रहेगा, 6 कोऑर्डिनेटेड सैचुरेटेड बॉन्डेड है। ये हमने शॉर्ट फॉर्म जो लिखे हुए उसका ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है हिस्टिडीन, शो करता है आपका हिस्टिडीन के एन को, ASP एस्पार्टेट को, ग्लूटामेट GLU ग्लूटामेट को, और ये कौन सा फॉर्म है, डीऑक्सी हेमरिथ्रिन, इसमें अभी O2 बाइंड नहीं हुआ है। अब O2 जब इसके साथ बाइंड होगा तो O2 का बाइंडिंग कहाँ पे होगा, जिस Fe की 6th कोऑर्डिनेटेड साइट इम्पर्टी है उसके साथ ये बाइंड अप होगा। ये देखिए O2 यहाँ पे बाइंड हुआ है 6th पोजीशन के ऊपर और बैंड शेप में है,
और रिमेनिंग जो ऊपर वाला ओ है, ओ टू का दो ओ है ना, तो ओ टू का ऊपर वाला ओ ब्रिजिंग के ओ एच से एच मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑक्सी हेमेरिथ्रिन आर, तो ये रहेगा आपका वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका प्रेजेंट रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आप सिक्स हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक। तो हर पॉइंट में से आपको क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर आप इसे रिमेम्बर कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि कंसेप्ट यहाँ पे निकल जाता है कि O2 कहाँ पे बाइंड होगा, तो जहाँ पे सिक्स्थ कोऑर्डिनेशन साइट इम्पर्टी वहीं पे बाइंड होगा और पहले वाले एफ ए की सिक्स्थ कोऑर्डिनेशन साइट फुल रहती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है डीऑक्सी हेमेरिथ्रिन और ऑक्सी हेमेरिथ्रिन, तो स्लाइड को बड़ा करते हैं। ओके, अपने पास दो पॉइंट है, एक है डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हेमेरिथ्रिन, एक है ऑक्सी फॉर्म ऑफ हेमेरिथ्रिन। डीऑक्सी मींस अभी इसने O2 को बाइंड नहीं किया है, ऑक्सी हेमेरिथ्रिन मींस O2 बाइंड हो चुका है। तो क्या चेंजेस होंगे और इन दोनों का एक कंपेरेटिव स्टडी हम यहाँ पे देखने वाले। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट है इट हैज टू एक्टिव साइट। ओके, एफ ई दो मॉलिक्यूल है, इसलिए अब ऑक्सी हेमेरिथ्रिन में क्या है, बोथ एफ ई एटम आर सिक्स कोऑर्डिनेटेड। इसमें कितना होता है, एफ ई तो दो होते हैं बट दोनों ही एक्टिव साइट होते हैं, बट बाइंडिंग कहाँ पे होगी आपकी, ओ टू की फाइव कोऑर्डिनेटेड साइट वाले से होगी। वन एफ ई इज फाइव कोऑर्डिनेटेड एंड द अदर एफ ई इज सिक्स कोऑर्डिनेटेड, बट ऑक्सी फॉर्म में क्या रहता है, बोथ एफ ई गिव डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, वो केमिकल इन्वायरमेंट इनके डिफरेंट होंगे और इस कंडीशन में बोथ एफ ई किस में रहेंगे, सिक्स कोऑर्डिनेटेड साइट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके O2 के साथ बाइंड अप हो चुके हैं। कैसे होगा, हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों एफ ई जो है वो डिफरेंट आपके मॉस बियर स्पेक्ट्रम देंगे। मॉस बियर स्पेक्ट्रम जो रहता है वो एफ ई आयरन या टिन मेटल के लिए आपको चेकअप किया जाता है, जिसके द्वारा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन से आयरन के साथ डिफरेंट इन्वायरमेंट जुड़ा हुआ है। फिर है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ई इज सेकेंड फर्स्ट के लिए, और ये किस तरह का है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दोनों ही एफ ई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डीऑक्सी फॉर्म में ये कलरलेस रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रांगली एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड थ्रू एफ ई ओ एफ ई, मीन्स एंटी फेरोमैग्नेटिकली मीन्स कि एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को कैंसिल अप कर देता है, तो ये हो गया आपका एंटी फेरोमैग्नेटिकली आपका कपल्ड रहता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद क्या चेंजेस आएंगे, पहले तो बोथ एफ ई गिव डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एफ ई का केमिकल इन्वायरमेंट और इस एफ ई का केमिकल इन्वायरमेंट दोनों अलग अलग है, इसके साथ दो स्टूडेंट जुड़े हुए, इसके साथ तीन स्टूडेंट जुड़े हुए, तो यही यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आ गया। फिर ऑक्सीजन बाइंड अप होने के बाद भी इसका केमिकल इन्वायरमेंट दोनों ही एफ ई का अलग है, तो जब हम इसका मॉस बियर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे तो जो हमारा एक्टिव मेटल है एफ ई, ये दो सिग्नल देगा जिससे हमें पता चलेगा कि दोनों ही एफ ई डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ओ टू बाइंड है, इसके साथ ओ टू बाइंड नहीं है, इसके साथ थ्री स्टूडेंट है, इसके साथ सिर्फ दो स्टूडेंट, तो दो आपके मॉस बियर सिग्नल मिलने वाले हैं। फिर आपका है वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑक्सीहीमोग्लोबिन, सॉरी हेमेरिथ्रिन ऑक्सी हेमेरिथ्रिन, बट आपका डीऑक्सी फॉर्म में इस टाइप का कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। अब है आपका हेमेरिथ्रिन ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर क्या बनाता है, मैट हेमेरिथ्रिन, जस्ट लाइक मैट हीमोग्लोबिन की तरह, जैसे कि मैट हीमोग्लोबिन में 3% ऑफ हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता था, ऑक्सीडेशन होने के बाद एफ ई प्लस थ्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह कुछ हेमेरिथ्रिन का ऑक्सीडेशन मैट हेमेरिथ्रिन में होता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता। अब इसमें क्या होता है, सेंटर में ऑक्सो ब्रिज रैदर देन हाइड्रोक्सो ब्रिज। ओके, सेंटर में क्या रहेगा आपका, सेंटर में रहेगा आपका ऑक्सो ब्रिज, और ये क्या करेगा, डज नॉट बाइंड ओ टू, ओ टू के साथ बाइंड अप नहीं हो पाता। अब है आपका डी ऑक्सी फॉर्म के अंदर देखें तो रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ओ टू,
ठीक है, ओ टू किसके अंदर प्रेजेंट है आपका, पर ओ टू अभ्रेजी के रूप में प्रेजेंट है आपका, रहता है ये परोक्साइड फॉर्म के अंदर। तो परोक्साइड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करने पे आपकी जो ओ टू की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी 845 सेंटीमीटर इनवर्स, 850 सेंटीमीटर इनवर्स। फ्री ओ टू की सबसे ज़्यादा रहती है 1550, देन आफ्टर आपकी ओ टू सुपर ऑक्साइड की रहती है 1150 एंड पर ऑक्साइड की सबसे कम 845। यानी कि पर ऑक्सी की या पर ऑक्साइड की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 होता है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा आपका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अब ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिकली ऑक्सी हेमेरिथ्रिन इज डायमैग्नेटिक। ओके, कोई भी यानी ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट नहीं करता, इसलिए डायमैग्नेटिक है। ईपीआर इनएक्टिव है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा आपका। फिर है आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग इन फॉर्म ऑफ परोक्साइड। ये भी पूछा जाता है कि हेमेरिथ्रिन में ऑक्सीजन किस फॉर्म में बाइंड अप होता है, तो परोक्साइड फॉर्म में, हीमोग्लोबिन में, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में होता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है, इसके अंदर से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसलिए ये पॉइंट हमने इंक्लूड किया है। फिर है आपका हेमेरिथ्रिन डज नॉट शो कोऑपरेटिव बाइंडिंग। जैसा कि मैंने फर्स्ट लाइन में ही बताया था, हीमोग्लोबिन कोऑपरेटिव बॉन्डिंग देता है, कलरलेस रहता है, बट आपका हेमेरिथ्रिन कोऑपरेटिव बॉन्डिंग नहीं देता। हेमेरिथ्रिन डीऑक्सी फॉर्म में कलरलेस है, ओ टू बाइंड होने के बाद ये वॉयलेट कलर जनरेट करता है। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, द एफिनिटी ऑफ हेमेरिथ्रिन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज लो देन हीमोग्लोबिन। अब ऐसा क्यों होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के यहाँ पे एफिनिटी कम है? तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर हीम यूनिट प्रेजेंट है, बट ये विदाउट हीम यूनिट प्रेजेंट आपका कॉम्प्लेक्स है, तो इसके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन साइनाइड के साथ एफिनिटी कम होती है। तो इस तरह से आप इसे रिमेम्बर रख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है अपने पास हीमोसाइनिन। अब हीमोसाइनिन भी किस इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है, ओ टू को ट्रांसपोर्ट करना। अब ये ओ टू किस में ट्रांसपोर्ट करता है ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है कि हीमोसाइनिन में हीम यूनिट प्रेजेंट होता है क्या? तो नहीं। सेकेंड क्वेश्चन रहता है साइनाइड आयन प्रेजेंट होता है? तो नहीं। कई बार नाम से कंफ्यूजन हो जाता है हीमोसाइनिन, हम देखते हैं कि इसमें हीम भी है साइनाइड भी है, इसलिए क्वेश्चन पुट किया जाता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ हमने कि डज नॉट कंटेन हीम ग्रुप एंड साइनाइड आयन, तो इसके ऊपर नाम पे नहीं जाना। यहाँ पे ये क्या करता है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है और आल्सो कॉल्ड ब्लू ब्लड। ड्यू टू कॉपर इसका जो कलर होता है, कलर स्पेक्ट्रा हमको मिलता है ब्लू, ट्रांजेक्शन मेटल टू लिगेंड ट्रांजेक्शन, ये LMCT MLCT के कारण। हम देखेंगे किस टाइप के ट्रांजेक्शन से ब्लू ब्लड मिलता है। फिर है सर्व एज ओ टू करियर इन सम इनवर्टिब्रेट सच एज मोलुस्का लाइक व्हेल, स्नेल, स्क्विड एंड ऑर्थोपोड लाइक क्रेब, लॉबस्टर्स एंड रिम्स। ओके, तो अब ये है आपका इसका जनरल स्ट्रक्चर। हम देखें दो फॉर्म है हमारे पास, एक है ऑक्सी फॉर्म, डी ऑक्सी फॉर्म। फर्स्ट हमारे पास डी ऑक्सी फॉर्म होगी जो कि कलरलेस है, सेकेंड है हमारे पास ऑक्सी फॉर्म जो कि ब्लू कलर में एग्जिस्ट करता है हीमोसाइनिन। देखिए ऑक्सी फॉर्म के अंदर दो मेटल है आपके कॉपर जो कि 460 पिकोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ये भी डिस्टेंस आपसे पूछी जाती है। दोनों ही मेटल आपके प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, डिस्टेंस है 460। इसके तीन कोऑर्डिनेटेड साइड जो रहते हैं आपके नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडिन से कनेक्टेड रहते हैं, बट मेटल मेटल बॉन्डिंग इसमें नहीं रहती। तो ये तीन हिस्टिडिन एक कॉपर से और सेकेंड कॉपर से भी 3, तो टोटल कितने हो गए, 6 हिस्टिडिन हो गए। और जो ऊपर के दो हिस्टिडिन है वो आपस में भी बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, तो टोटल देख लीजिए 6 हिस्टिडिन रेसिड्यू। हिस्टिडिन आल्सो एक्ट एज अ बेसिक एमिनो एसिड, नाइट्रोजन प्रेजेंट इसलिए एज ए एमिनो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और न्यूट्रल एमिनो एसिड इनका या तो बेसिक भी हो सकते हैं या न्यूट्रल भी इसमें बिहेव करेगा। आपका इसमें से क्वेश्चन जो बनता है वो डिस्टेंस पूछा जाता है,
ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है, नंबर ऑफ कॉपर मेटल पूछे जाते हैं, और इसका कलर पूछा जाता है, तो कलरलेस है। और इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है इसका ओ टू ट्रांसपोर्ट, किन चीज में करता है, इन्वर्टिब्रेट के अंदर, कौन कौन से वेल्स के अंदर, ऑक्सीफॉर्म देख लीजिए, ऑक्सीफॉर्म आने के बाद ये जो ओ टू है वो ब्रिजिंग मोड के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ऑक्सी हीमोसाइनिन ब्लू कलर के अंदर ब्रिजिंग मोड के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, और इस कंडीशन में आपके कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन प्लस वन से प्लस टू में हो जाएगा, यानी क्यूप्रस से क्यूप्रिक में परफॉर्म होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सी हीमोसाइनिन में कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ये रहेगा आपका प्लस टू। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये जो कलर है जैसा मैंने बताया था वो किसके कारण आपको दिखाई देता है, तो डी नाइन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपका, और डी नाइन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, आपको चार्ज ट्रांसफर के कारण आपको कलर दिखाई देता है। अब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर MLCT, फिर पाई टू पाई स्टार ट्रांस ट्रांसफर, ये सारे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हमें स्टडी करना होता है, तो उसे आने वाले प्रीवियस वीडियो में हम इन्वॉल्व करेंगे। कॉपर फर्स्ट स्टेट के अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन रहता है, फर्स्ट है क्योंकि कॉपर जो है वो D11 फैमिली का मेंबर है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो D10 हो जाएगा, और ये दोनों एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड रहते हैं और इसमें D-D ट्रांजिशन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये कलरलेस बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, ये देखिए ये कलरलेस है, स्लाइड को जूम इन करते हैं, ठीक है, तो ये है आपका नो डीडी ट्रांजेक्शन, कलरलेस टाइप का ये रहेगा आपका, कोई भी डीडी ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं होता। ओ टू बाइंड अप होने के बाद ऑक्सीजन प्लस वन से प्लस टू के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डी नाइन कॉन्फ़िगरेशन होगा, LMCT आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा और ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाएगा, ओ टू माइनस और कॉपर टू प्लस, इस टाइप की बॉन्डिंग रहती है, LMCT यानी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, जो ये लिगेंड है ओ टू माइनस ऑक्सीजन लिगेंड जो कि लेविस बेस की तरह काम करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को मेटल को वापस से डोनेट करेगा, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ओ टू इज परऑक्साइड फॉर्म के अंदर इसमें एग्जिस्ट रहता है, और लाइक हेमेरिथ्रिन, हेमेरिथ्रिन में भी ओ टू किस में एग्जिस्ट है, तो परऑक्साइड फॉर्म के अंदर, तो इस कंडीशन में भी आपको जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है परऑक्साइड रेंज में मिलेगी 850 टू 750 या उससे बिलो रेंज के अंदर, तो यहाँ पे मिलती है आपको 750 सेंटीमीटर इनवर्स में। अब कोऑपरेटिव बाइंडिंग विथ ओ टू ये शो करता है, बट ESR एंड EPR इनएक्टिव है, जनरल इससे याद रखेगा ESR एंड EPR इनएक्टिव है ये, क्यों, एक्चुअल में D9 कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, बट एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड होने के कारण फर्स्ट कॉपर सेकेंड वाले को डीएक्टिवेट कर देगा, तो ये ESR या EPR इनएक्टिव हो जाता है। फिर हम पढ़ते हैं द कॉपर सेकेंड एंड कॉपर सेकेंड आयन आर कपल एंटी फेरोमैग्नेटिकली विद, एक दूसरे के साथ एंटी फेरोमैग्नेटिकली है, विद म्यू टू ब्रिजिंग है, ओ टू टू माइनस आपके पास, यानी कि ओ टू जो है वो ब्रिजिंग मोड में रहता है दो मेटल के बीच में आयन, लाइक ये कॉपर सेकेंड वो कॉपर सेकेंड लिंकेज के रूप में एग्जिस्ट कर। तो अब पॉइंट बात आती है कि इस ओ टू को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए, कि कौन सा परऑक्साइड है, कौन सा नॉर्मल ऑक्साइड है, ओ टू है, फ्री ओ टू है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है, तो उसके लिए हमें आयर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी देखनी पड़ती, जैसा कि अभी ये यहाँ पे हमने शो किया है कि हीमोसाइनिन के अंदर ओ टू फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, 750 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है सिग्नल। तो चलिए इसका एक कंपेरेटिव स्टडी भी कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, ये देखिए आईआर एंड रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस मोड ऑफ O2, स्लाइड को स्क्रीन फिट है ये। तो देखिए हीमोग्लोबिन के अंदर आपका रहता है सुपर ऑक्साइड O2 माइनस फॉर्म में, मायोग्लोबिन में भी सुपर ऑक्साइड O2 माइनस फॉर्म में, हेमेरिथ्रिन के अंदर भी परऑक्साइड फॉर्म, एंड आपका हीमोसाइनिन HC से रिप्रेजेंट किया है ये भी परऑक्साइड फॉर्म O2 माइनस 2 फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे रहेगा आपका HO2- माइनस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करता है, तो परऑक्साइड फॉर्म में। देखिए माइनस चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे लो है, तो अगर मेटल लिगेंड के पास ज़्यादा माइनस चार्ज है तो बैक बॉन्डिंग उसके अंदर, या बोल सकते हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इससे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा लो हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर
लो होने के कारण आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो लोअर जाएगी। याद रखने का तरीका, कौन सा फॉर्मूला हमने बताया था पहले भी आपको, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी याद रखनी है तो आप ये याद रखिए बॉब्स, फिर ये न्यू आपका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, एस स्टेबिलिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बैक बॉन्डिंग एंड बॉन्ड लेंथ। तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी आप मॉलिक्यूल यहाँ पे ले रहे हैं उसका रहेगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज है तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो देख लेते हैं आपका सुपर ऑक्साइड, एक फॉर्म और ले लेते हैं हम फ्री ऑक्साइड, फ्री ओ टू। ओके, तो फ्री ओ टू के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2, और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी अगर आप रिकॉर्ड करेंगे फ्री ओ टू का स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वो करीबन 1550 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो अब अगर ऑक्साइड फॉर्म है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म है हीमोग्लोबिन के अंदर जो कि ओ टू ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 1.5, और इस कंडीशन में स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी लो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज होने के कारण स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी 1106 के ऊपर मिलेगी। सुपर ऑक्साइड के अंदर मायोग्लोबिन सुपर ऑक्साइड फॉर्म में ओ टू एग्जिस्ट करता है, इसमें हीमोग्लोबिन सॉरी ओ टू की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो रहेगी आपका 1103 सेंटीमीटर इनवर्स, सिर्फ 3 का डिस्टेंस या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अगर आप हेमेरिथ्रिन की बात करते हैं, ये क्या है HR, हेमेरिथ्रिन, इसमें परऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड ऑर्डर आपका रहता है 1, और आपका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आएगी 840 के ऊपर। हीमोसाइनिन के अंदर परऑक्साइड फॉर्म में ऑटो एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड ऑर्डर रहेगा आपका 1, और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे लो रहेगी 750। तो इनमें से भी कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं JRF नेट के अंदर, तो इसे आपको प्रिपेयर कर लेना है, नेट या गेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने स्टडी जिन टॉपिक के ऊपर आज की है वो थे हेमेरिथ्रिन, हेमेरिथ्रिन के दो टाइप हमने पढ़े, डी ऑक्सी हेमेरिथ्रिन, ऑक्सी हेमेरिथ्रिन, इनके कंपेरेटिव स्टडी, इनके अंदर ओ टू कौन से मोड के अंदर बाइंडअप रहता है और इनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। फिर जो एफी है, कितने नंबर ऑफ एफी प्रेजेंट रहते हैं, और एंटीफेरोमैग्नेटिकली है या नॉन एंटीफेरोमैग्नेटिकली कपल्ड है, ये स्टडी हमने किए। हीमोसाइनिन के अंदर हमने स्टडी किया कि कितने मेटल कॉपर के होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, फिर एंटीफेरोमैग्नेटिकली कपल्ड है या नहीं, EPR एक्टिव है या नहीं, इनके दो फॉर्म हमने स्टडी किए, डी ऑक्सी हीमोसाइनिन एंड ऑक्सी हीमोसाइनिन, एंड इसके अंदर भी ओ टू किस मोड के अंदर एग्जिस्ट था। फिर हमने इसका स्टडी किया कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ ओ टू को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी यूज में लिए, इसमें से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो स्टेप से आज का लेक्चर पूरा हुआ। अगर आप JRF नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपकमिंग टाइम में हम इसी टाइप से ईजी टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस सर्व करते रहेंगे, इससे आप JRF नेट एग्जाम में आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन कौन कौन से हैं। तो लेक्चर फोर से लेक्चर फाइव के अंदर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन। तो मिलते हैं लेक्चर 5 में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।